गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसूनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 14 की। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है, इसके 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं हमें। इसमें ऊपर की ओर लाइबिलिटीज़ के आंकड़े दे रखे हैं और नीचे की ओर एसेट्स के आंकड़े दे रखे हैं। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में जो चीज़ दे रखी है वो है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया वो है 40,000, वो भी प्लांट एंड मशीन पे। मशीन अलग से एक और दिया है, एक मशीन थी जिसको 8,000 रुपये में सेल कर दिया गया, जिसकी कॉस्ट थी मशीन की वो थी 12,000 रुपये और उस मशीन पे डेप्रिसिएशन है वो 7,000 रुपये चार्ज किया गया था। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ बनानी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं हमारे और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम अमाउंट और इधर एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हम निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ लेना पड़ता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेते हैं पेंडल अकाउंट से, यहाँ दिया हुआ है पेंडल अकाउंट का बैलेंस है 1,00,000 और अगले साल हो जाता है 1,60,000। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है कितना है 60,000 का इस साल का, वो लेते हैं। ये है 60,000। तो इस तरीके से पेंडल का जो बैलेंस है वो 60,000 हमें यहाँ इस तरीके से लेना है। और इसको हम यहाँ घटा के भी दिखा सकते हैं, एक 60 में से 1,00,000 घटा करके, बट इसको 60,000 दिखाया जा सकता है। उसके बाद में इसमें ऐड करने वाली चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने वाली चीज़ों में सबसे पहले जिन चीज़ को लिया जाता है वो है, यहीं से देख लेते हैं, जनरल रिजर्व है जो राइट ऑफ होता है वो है 20,000। जनरल रिजर्व 20,000 का इसका अंतर लेना है। इसके बाद और कोई चीज़ यहाँ से आने वाली नहीं है, डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन है वो है 40,000। और यहाँ हम देखते हैं कि एक मशीन जिसकी लागत 12,000 थी 8,000 में बेच दी, 7,000 का इस पर डेप्रिसिएशन लिया था, तो 8,000 सेल करी है और इस पर 7,000 डेप्रिसिएशन, इसका मतलब 15,000 हो गए और 15 में से 12,000 इसकी कॉस्ट घटाएंगे तो 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये साथ में प्रॉफिट है, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये है 3,000 का। तो इस तरीके से ये इसमें जोड़ने वाली चीज़ है और जो प्रॉफिट होता है वो घटाया जाता है, ये जोड़ जाती है और जो प्रॉफिट होता है वो क्या है घटाते हैं हम। तो ये यहाँ इसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे, तो ये 40 और 20 60, 60 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ गए 57,000। तो ये 60 और 57 हो गए 1,17,000। तो ये आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें WC का और लेखा करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल वाले कौन कौन से आइटम उनका किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ वर्किंग कैपिटल वाले आइटम कौन से, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को लेते हैं, तो यहाँ स्टॉक और डेटर को लेंगे और इधर BP आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर है, ठीक है। इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन सी चीज़ लेस करते हैं कौन चीज़ ऐड करते हैं, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है डिक्रीज इन CA, ऐड करेंगे डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, इसको तो हम करते हैं ऐड और लेस करेंगे जस्ट इनका अपोजिट। अपोजिट का मतलब होगा इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL को क्या करेंगे हम लेस करेंगे। तो हम सीधा ही लिख देंगे यहाँ, जिसको ऐड करने वाली को ऐड करने करेंगे और लेस करने वाली को ब्रैकेट में माइनस का निशान लगा करके एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ सीधा लिख देंगे। तो
यहाँ ऐड न करके मैं यहाँ लिखता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ डब्ल्यू सी, एडजस्टमेंट ऑफ डब्ल्यू सी में सबसे पहले यहीं से लेते हैं, क्रेडिटर है ये 153 थे, 190 हो गए, इंक्रीज हो गए, तो इसको ऐड करते हैं, इंक्रीज होते तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो ये कितने इंक्रीज होगा, 190 में से 53 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 37, 53 और 37 को जोड़ लेते हैं तो ये नंबर ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, 53,000 है जो ये आ जाएगा, सॉरी ये है 37,000, तो ये प्लस का आंकड़ा है इसको खुले में लिखेंगे, माइनस को जिसको करना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसके बाद में है बीपी, बीपी में भी इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन बीपी, तो ये है 10,000 का, यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग 7 से 5 ये डिक्रीज हो गए तो इनको लेस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है 2,000 जो घटाना है उसको ब्रैकेट में, डिक्रीज हो गया है सीएल में तो इसको हम घटाएंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे घटाने वाली चीज को। इधर चलते हैं आगे, स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में डिक्रीज है तो इसको ऐड करेंगे, 25,000 है तो ये ऐड करने वाले हैं, डेटर है जो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन सीए है तो ये लेस होगा 10,000 से, इंक्रीज इन डेटर ये है 10,000, इंक्रीज हो गए तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस का हो जाएगा ये, और इतनी चीज़ें इसमें, इसका हम क्या कर लेते हैं एडलेस का देख लेते हैं, कौन से माइनस के कितने प्लस के कितने हैं, ये 10 और ये प्लस के ये माइनस के, इनको यहाँ से घटा देते हैं, फिर 37 और 25 इनको हम जोड़े तो ये हो गए हैं 62,000 हो गए, 62,000 में से ये 2,000 है जो माइनस के घटा देते हो, यहाँ बच जाएगा 60,000, 60,000 ये प्लस के हैं, 117 और 60 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 177,000, ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको नाम देते हैं ए कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, तो इसमें इस तरीके से हमने ऐड कर दिया है, तो ये आ गया। दूसरा हम बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो इन्वेस्टिंग में हम यहाँ सबसे पहले जो प्लांट मशीन है इसका क्या करेंगे, खाता बनाएंगे, तो यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले खाता, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 2BD, ये वर्किंग नोट है, और क्लोजिंग बैलेंस होगा 22CD, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है जो प्लांट मशीन का ये 5,00,000 और 8,00,000 है, ये 5,00,000 और इधर ये 8,00,000, बाय डेप 40,000 पूरे साल का है, बाय सेल, सेल हमें दिखाया था 8,000 का, यहाँ तो 8 लिखेंगे, और यहाँ प्रॉफिट हुआ था 2 P&L, प्रॉफिट है ये P&L में जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है ऊपर, यहाँ ये 3,000 का, तो इस तरीके से इसका टोटल हो जाता है 8,48,000, और 8,48 इसका जो डिफरेंस रहेगा 8,48,000 ये हो गए 5,03,000 घटा देते हैं इसमें से 5,03,000 तो ये आ जाएगा 45,000 और ये आ गया 3,45,000 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3,00,000 और
45,000 ये होगा टू बैंक, ये हो जाएगी परचेज, परचेज के रूप में होगा। तो इस तरीके से जो इसका डिफरेंस बचेगा यहाँ ये परचेज के रूप में हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले इसी को लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, प्लांट एंड मशीन कर देते हैं, कितने का है 3,45,000। परचेज किया है, पैसा गया हमारा, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। और हमने सेल किया 8,000 का, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये 8,000 है, ये प्लस के रहेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ इसमें प्लस माइनस करनी है। और चीज़ें देखते हैं, लैंड बिल्डिंग है, यहाँ देखिए आप 80,000 थी, 120 हो गई, तो बढ़ गई, इसका मतलब इसको परचेज मान लेते हैं। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये है 40,000 का अंतर है इसका, तो 40,000 लिख लेते हैं यहाँ, ये बढ़ा हुआ है। और कोई चीज़ नहीं है इसमें जोड़ने वाली, घटाने वाली, यही चीज़ें हैं। तो 40 और ये 8, 48,000 है जो आंकड़े हैं प्लस के, और 3,45 है जो माइनस के हैं। तो 3,45 में से हम घटा देते हैं 48,000, तो ये आएगा 2,97,000। इसका जो बैलेंस है हम यहाँ लिखेंगे 2,97,000, जो कि ब्रैकेट का है, माइनस का आंकड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट है हमारा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा जो कैश यूज़ हो रहा है वो इतना है, 2,97,000 है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें आ गई है। अब हम थर्ड चीज़ है हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हम इधर लेखा करेंगे साइड में, तो यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ नीचे लिख देते हैं। फाइनेंसिंग में हम इस साइड में चलते हैं, लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के आइटम आते हैं इसमें। शेयर कैपिटल देखते हैं सबसे पहले, 5 से 8 हो गई तो इश्यू हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर ये है 3,00,000 के, और इश्यू ऑफ शेयर ये हो गए 3,00,000 और कुछ भी नहीं दिया और बाकी ये इनका हो गया। तो 3,00,000 के शेयर इश्यू और कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सीधा एक ही चीज़ है, ये सी पॉइंट ई हो जाएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यही आएगा पूरा 3,00,000 लिख देते हैं, इश्यू है, पैसा आया है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों का हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दो आंकड़े प्लस के और ये माइनस का है, 3,00,000 में से 2,97,000 घटाएंगे तो 3,000 प्लस के बच जाएंगे, 3,000 और 1,77,000 जोड़ दे तो ये आएगा 1,80,000, ये आ गए 1,80,000। तो इस तरीके से एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कुछ आंकड़े हमारे मिस्टेक तो नहीं हुए हैं, तो एक बार इसको दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये माइनस होता है क्योंकि पैसा चला गया है यहाँ, तो ये माइनस के आंकड़े मतलब ये घटाने वाले आइटम हो गए, तो 3,45 और 40 को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ जो इसका थोड़ा बैलेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, 40 और 3,45 40 हो गए 3,85, 3,85 में से हम घटाएंगे 8,000, तो ये हो जाएगा 3,77,000 हो जाएगा। तो इसका बैलेंस यहाँ हमने थोड़ा सा भूल से रख ये लिख दिया इसको प्लस वाले साइड में, तो ये 3,77,000।
तो इस तरीके से ये चीज़ें माइनस की इतनी हो गई। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ ये तीन और एक चार, चार 77 तो है प्लस के आंकड़े और 377 है माइनस की, तो इनका टोटल करेंगे एडजस्ट कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ 100,000। तो ये माइनस का और ये दोनों प्लस के, प्लस के तीन और एक 477 है और इनमें से 377 घटाएंगे तो 100,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करना है, हमें लास्ट जो स्टेज है मैं यहाँ लिखता हूँ, जो हमारे ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये आ गया 100,000। यहाँ नीचे हम क्या लिखते हैं, फिर एड ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश हमारा था 20,000, 20,000 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120,000, ये हो जाएगा क्लोजिंग कैश। तो हमारा जो ओपनिंग कैश था ये था 20,000 और एंड का है 120। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि हमने जो एबीसी तीनों का टोटल किया है तो इसने ओपनिंग जोड़ा है तो क्लोजिंग आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें आसानी से चीज़ निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।